हाय गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। आज हम बात करने वाले हैं कैट 2022 के एग्जाम के ओवरऑल एनालिसिस की। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में किसका कैसा एग्जाम गया, कैसा क्वेश्चंस आया, कैसे टॉपिक से क्या क्वेश्चंस थे, हम सबकी बात करने वाले हैं। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, जिसने भी जिस स्लॉट में एग्जाम दिया, सबको अपना स्लॉट डिफिकल्ट लग रहा है। किसी को लग रहा है मेरा वर्बल डिफिकल्ट था, किसी को लग रहा है मेरा डीएलआर सेक्शन डिफिकल्ट था, किसी को लग रहा है कौन डिफिकल्ट था। हम सबकी बात करने वाले हैं कौन सा स्लॉट में कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट था। चलिए देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं वर्बल सेक्शन के स्लॉट 1 की। अगर हम स्लॉट 1 की बात करते हैं तो तीनों सेक्शंस में हमारे पास चार चार आरसी आए हुए थे। उसमें से स्लॉट 1 में दो आरसी डुएबल थे, दो आरसी डिफिकल्ट थे। स्लॉट 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे तीन आरसी डुएबल थे, आपको बस ढूंढ के निकालना था। अगर हम स्लॉट 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो आरसी डुएबल थे, दो आरसी डिफिकल्ट थे। सो दैट्स हाउ इट वाज। एंड वन मोर थिंग, अनएक्सपेक्टेड ऑड वन आउट मिसिंग था कैट एग्जाम से। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फैक्टर था कि हाँ, ऑड वन आउट नहीं देखने को मिला। पर फिर भी अगर आपने आरसी पे टारगेट किया होता तो भी आप अच्छे से कर सकते थे। तो दैट्स हाउ इट वॉज अबाउट आरसी सेक्शन। डीएलआर सेक्शन की बात करते हैं। डीएलआर सेक्शन में कुछ लोग को अच्छा लगा, किसी को बुरा फील हुआ कि ये हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर भी अगर आप ध्यान से करते तो आपको दो सेट डुएबल मिलते हर एक सेट स्लॉट में, दो सेट आराम से आप कर सकते थे। तो दो सेट डुएबल थे इन ईच सेक्शन, इन ईच स्लॉट, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कौन सेक्शन की। ठीक है, कौन सेक्शन में सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं वो ऊपर नीचे हो गए थे। ठीक है, स्लॉट 1 की अगर हम बात करते हैं फिर भी, तो स्लॉट 1 में भी आराम से अगर आप ढूंढने जाते तो भी आपको 7 to 8 क्वेश्चंस इजी लेवल के देखने को मिल जाते हैं। हाँ, अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस कम आए थे कुछ टॉपिक से, हर एक सेक्शन में देखने को मिला था ये चीज़। फिर भी अगर आप अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को अच्छे से टारगेट करते तो भी आसानी से आप 7 to 8 क्वेश्चंस ईजिली कर सकते थे। ठीक है, तो हर एक सेक्शन की अगर हम बात करें तो 7 to 8 आराम से क्वेश्चंस इजीली हो सकते थे। यहाँ पे आपको तीनों सेक्शन में क्या देखने को मिला था, थोड़ा बहुत अरिथमेटिक देखने को मिला था, थोड़ा बहुत अलजेब्रा देखने को मिला था और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिले थे। सो दैट्स हाउ इट वॉज फॉर ईच सेक्शन। तो अराउंड ऐसा ही देखने को मिला तीनों सेक्शन में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्बल सेक्शन वॉज डुएबल एंड डीएलआर सेक्शन वॉज ऑन मॉडरेट एंड ओवरऑल कौन सेक्शन वॉज लो लिटिल बिट डिफिकल्ट साइड पे था फॉर ऑल थ्री सेक्शंस। सो दैट्स हाउ इट वॉज फॉर ऑल थ्री स्लॉट्स, एज स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। सो इस तरीके से कुछ था। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट पे कितने परसेंटाइल का टारगेट रख सकते हो, कि आपने कितने अटेम्प्ट किए होंगे सो दैट आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर बेयर मिनिमम आपको कितना अटेम्प्ट करना था जिसपे आपको एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने जो अटेम्प्ट किया उस हिसाब से आपका स्कोर क्या बन सकता है, यानी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं फॉर कैट 2022। ठीक है, तो अगर आप बेयर मिनिमम टारगेट कर रहे हो कि आप कट ऑफ सिर्फ क्लियर करना चाहते हो 80% का, तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आपने वर्बल सेक्शन में अराउंड 8 क्वेश्चंस राइट कर लिए हैं, जिसमें से लेट्स से एक से दो आरसी राइट कर लिया, फिर एक आरसी और कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होते, तो आप इतना आराम से स्कोर कर सकते थे वर्बल सेक्शन में। ठीक है, फिर डीएलआर सेक्शन की बात करते हैं। अगर आपने 5 से 6 क्वेश्चन का टारगेट अगर पकड़ के चलते हैं तो इतने अगर राइट कर लिए होते डीएलआर सेक्शन में तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कौन सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आपने 6 क्वेश्चंस इजी वाले ढूंढ के निकाल के राइट कर लिए होते तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता फॉर योर 80% का फॉर ईच सेक्शन हो जाता क्लियर। अब ओवरऑल की बात करें, अगर आपने अराउंड 19 to 20 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए होते राइट तो आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाता फॉर दिस कैट 2022 बेयर मिनिमम जिसकी हमने बात की। ठीक है, फिर अगर 90% की बात करते हैं तो आपको वर्बल में 30 मार्क्स स्कोर करने थे, डीएलआर में अराउंड 22 मार्क्स एंड ओवरऑल कौन सेक्शन की बात 26 मार्क्स अराउंड स्कोर करने थे, और ओवरऑल 75 to 78 अगर आपका जाता है मार्क्स देन आपका 90% बन सकता है। ठीक है, फिर 95% की बात कर लेते हैं। तो 95% के लिए आपको वर्बल सेक्शन में अराउंड 35 मार्क्स स्कोर करने थे, 27 फॉर डीएलआर एंड 33 फॉर योर कौन सेक्शन, एंड ओवरऑल अराउंड 90-95 अगर आपका स्कोर जाता है देन आपका 95% बन सकता है।
देन अगर आप 99 टारगेट करके चलो देन यू हैव टू स्कोर अराउंड 42 मार्क्स इन VARC, 36 के अराउंड चाहिए आपको DLR में, 44 के अराउंड चाहिए आपको कौन सेक्शन में, एंड ओवरऑल आपका स्कोर 115 प्लस जाता है देन यू विल बी आराम से आपको 99 मिल सकता है। अगर 99.5 प्लस आपका टारगेट है देन आपको अराउंड 47 मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे VARC सेक्शन में, एंड 41 के अराउंड आपको DLR एंड 48 के अराउंड आपको कौन सेक्शन में। अगर आपका स्कोर 130 प्लस होता है तो आराम से आपको 99.5 प्लस मिल सकता है ओवरऑल परसेंटाइल। सो दैट्स हाउ इट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर कैट 2022। इफ देयर इज एनी डाउट एनी क्वेरी यू गाइज कैन गेट इन टच विद अस, वी आर हियर टू हेल्प यू गाइज। ऑल द बेस्ट, डू गुड।